मैं डॉक्टर ज्ञानंजय द्विवेदी, दर्शन शास्त्र विभाग, भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा। आज मैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों को उनके चतुर्थ पेपर के अंतर्गत एयर के संवेगवादी विचारों पर प्रकाश डालना चाह रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अधिनीति शास्त्र के अंतर्गत मूल अंतःप्रज्ञावादी विचारक थे। इसके पहले के व्याख्यान में मैंने मूल द्वारा प्रतिपादित शुद्ध की अपरिभाषिता के बारे में कुछ आप लोगों को बताया था। आज मैं एयर के विचारों में संवेगवाद है क्या, इसके संदर्भ में आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। एयर नए संवेगवादी विचारक हैं और नैतिक कथनों को पूरी तरह से वो संवेग मात मानते हैं और बताते हैं कि ये नैतिक कथन पूरी तरह से मानव के संवेगों को अभिव्यक्त करने के कारण संवेगात्मक होते हैं। 1936 में एयर की पुस्तक लैंग्वेज ट्रूथ एंड लॉजिक, लैंग्वेज ट्रूथ एंड लॉजिक में एयर ने अपने संवेगवादी विचारों को व्यक्त किया है। अपने संवेगवादी विचारों को व्यक्त करते हुए एयर बताते हैं कि नैतिक कथन मूलतः चार प्रकार के होते हैं। पहले कथन ऐसे होते हैं जो कि नैतिक निर्णय के, नैतिक कथनों के अर्थ, स्वरूप या उसकी परिभाषा पर प्रकाश डालते हैं। दूसरे कथन वे होते हैं जिनके अंतर्गत मानव अपने स्वयं के नैतिक अनुभव को दूसरों के समक्ष रखता है। तीसरी कोटि में एयर बताते हैं कि सद्गुण आदि की व्याख्या होती है, या मनुष्य के लिए सद्गुण वगैरह जो आवश्यक नैतिक तत्व हैं उनकी व्याख्या होती है। और चौथे कोटि के अंतर्गत एयर बताते हैं कि जो वास्तव में नैतिक निर्णय होते हैं। तो एयर ने अपनी पुस्तक लैंग्वेज ट्रूथ एंड लॉजिक में इन चार प्रकार के नैतिक तत्वों के संदर्भ में नैतिक तत्वों की व्याख्या करते हैं। पहली व्याख्या जो कि नैतिक कथनों के अर्थ, स्वरूप और परिभाषा आदि के बारे में जो बताते हैं, एयर कहते हैं कि सही माने में यही नैतिक कथन होते हैं जो कि नैतिक कथनों या नैतिक निर्णयों के अर्थ, स्वरूप, उसकी परिभाषा आदि को स्पष्ट करते हैं। दूसरे प्रकार के कथन जो कि मानव के स्वयं का नैतिक अनुभव होता है, इसके बारे में एयर कहते हैं ये तो नीति शास्त्र की विषय वस्तु ही नहीं है, ये मनोविज्ञान की विषय वस्तु हो सकती है, जो कि स्वयं के नैतिक अनुभवों को हम जब व्याख्यायित करते हैं तो इसका अध्ययन हम मनोविज्ञान के अंतर्गत कर सकते हैं, नीति शास्त्र के अंतर्गत नहीं। तीसरी व्याख्या जो कि तीसरी कथन जो कि नैतिक सद्गुणों के बारे में होता है, एयर स्पष्ट कहते हैं कि ये नैतिक सद्गुण सिर्फ उपदेश मात्र होते हैं, इन्हें नैतिक कथनों की कोटि में रखना कतई उपयुक्त नहीं है, ये सिर्फ क्या होते हैं, ये मानव को उपदेशित करते हैं। और चौथे प्रकार की या चौथी कोटि में जो वाक्य आते हैं जिसके बारे में मूल कहते हैं, एयर कहते हैं कि नैतिक निर्णय वस्तुतः है, वास्तव में जो होते हैं, इसके संदर्भ में एयर बताते हैं कि वस्तुतः ये नैतिक निर्णय छद्म कथन है, ये तो किसी भी रूप में नैतिक निर्णय या नैतिक कथनों के अंतर्गत नहीं आते हैं, इन्हें छद्म कथन की संज्ञा देते हैं एयर और बताते हैं कि ये किसी देखने में या ये सुनने में, कहने में ये तथ्यात्मक कथन की तरह प्रतीत होते हैं। व्याकरण के दृष्टिकोण से एयर बताते हैं कि ये निश्चित रूप से होते हैं, तथ्यात्मक कथन होते हैं जो कि व्याकरण के दृष्टिकोण से, और एक नैतिक निर्णय के दृष्टिकोण से देखते हैं एयर बताते हैं ये छद्म कथन होते हैं और निरर्थक होते हैं। नैतिक निर्णय पूरी तरह से छद्म कथन होते हैं, वास्तव में होते ही नहीं, निरर्थक होते हैं। इस प्रकार से एयर लैंग्वेज ट्रूथ एंड लॉजिक नामक अपनी पुस्तक में
इन चार प्रकार के कोटियों में नैतिक कर्तव्यों को विभाजित करके यह बताते हैं कि वस्तुतः नैतिक कथन वह है वो जो कि नैतिक कथनों के अर्थ स्वरूप परिभाषा आदि को स्पष्ट करता है। अपने संवेगवादी विचारों की आज्ञा आगे व्याख्या करते हुए यह बताते हैं कि वास्तव में जो जिनकी हम सत्यापनीता को प्रमाणित कर सके ऐसे ही कथन जो होते हैं हमारे नैतिक कथन माने जा सकते हैं। सत्यापनीता को एयर अपने इंद्रिय जन्य अनुभवादी विचारों से उसकी सत्यापनीता को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं और बताते हैं कि जिन कथनों की सत्यापनीता इंद्रिय जन्य अनुभव से संभव है ऐसे कथन ही तथ्यात्मक हो सकते हैं या ऐसे कथन की ही प्रामाणिकता स्वीकार की जा सकती है। एयर नैतिक कथनों के संदर्भ में कहते हैं इनकी अनुभवजन्य या इंद्रियजन्य प्रामाणिकता संभव ही नहीं है, अतः ये छद्म कथन है, ये निरर्थक है, इनका वास्तविक रूप में कोई सार्थकता नहीं है। आगे बताते हैं कि हमारे कथन या तो संश्लेषणात्मक होते हैं या फिर विश्लेषणात्मक होते हैं। दोनों कथनों के बारे में यह कहते हैं कि इनकी हम सार्थकता को मान सकते हैं, सार्थकता मान सकते हैं इस शर्त पर कि इनकी अनुभवजन्य या इंद्रियजन्य प्रामाणिकता सिद्ध हो जाए तो संश्लेषणात्मक कथनों या फिर विश्लेषणात्मक कथनों इनकी सार्थकता को हम स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन अपने इंद्रियजन्य अनुभव के द्वारा एयर बताते हैं कि नैतिक कथन न तो विश्लेषणात्मक होते हैं और न संश्लेषणात्मक होते हैं, अतः इनकी सार्थकता हम प्रमाणित नहीं कर सकते हैं, अतः ये कथन सार्थक नहीं अपितु निरर्थक तथ्यात्मक नहीं है। ऐसे कथनों की निरर्थकता सिद्ध करते हुए यह बताते हैं कि नैतिक निर्णय क्या होते हैं, संवेगात्मक होते हैं। संवेगात्मक के बारे में यह बताते हैं कि पूरी तरह से वक्ता के संवेगों को अभिव्यक्त करते हैं, इनकी वास्तविक रूप में इनकी कोई सार्थकता नहीं है, ये है तो निरर्थक लेकिन वक्ता के संवेगों को अभिव्यक्त करने के कारण एयर नैतिक कथनों को पूरी तरह से संवेगात्मक मानते हैं। एयर इसे व्यक्तिनिष्ठ कहते हैं। व्यक्तिनिष्ठता का अभिप्राय यह है कि जिस व्यक्ति का जैसा संवेग होता है उसी ढंग से वह नैतिक निर्णय को अभिव्यक्त करता है। एयर कहते हैं कि अभिव्यक्ति और वर्णन में अंतर होता है। वर्णन के बारे में एयर बताते हैं कि किसी चीज का अगर आपको वर्णन करने की आवश्यकता होती है तो उसके लिए शब्दों की आवश्यकता होती है, बिना शब्दों को जाने या शब्दों के बगैर हम किसी तथ्य का किसी वस्तु का वर्णन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभिव्यक्ति के लिए एयर बताते हैं कि किसी चीज की अभिव्यक्ति के लिए हमें शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। एयर बताते हैं कि वर्णन में अभिव्यक्ति तो सम्मिलित है लेकिन अभिव्यक्ति के लिए हमें किसी भाषा की आवश्यकता नहीं होती, किसी वर्णन की आवश्यकता नहीं होती। एक उदाहरण से इसको आप समझ सकते हैं। क्लास में विद्यार्थी पढ़ रहा है, वो मान लेते हैं कि वो शिक्षक के अध्यापन से उब चुका है, तो यदि वो उबने के पश्चात क्लास कक्षा से बाहर जाना चाह रहा है तो निश्चित रूप से उसे वर्णन करने की आवश्यकता होगी, यानी अध्यापक से परमिशन स्वीकृति लेनी पड़ेगी, उसे अनुमोदन कराना पड़ेगा और इसके पश्चात वो कक्षा से बाहर जा सकता है। लेकिन अभिव्यक्ति के लिए या उसे यदि अपने उबपण को अभिव्यक्त करना है इसके लिए एयर कहते हैं उसे किसी भाषा की आवश्यकता नहीं है। अतः एयर कहते हैं कि जो नैतिक निर्णय है ये संवेगात्मक अभिव्यक्तियां हैं। संवेगात्मक अभिव्यक्तियों को स्पष्ट करते हुए एयर कहते हैं कि जिसकी अभिव्यक्ति के लिए हमें किसी भाषा की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ क्या है, मानव अपने संवेगों को अभिव्यक्त करता है, संवेगों को व्यक्त कर देता है और अपने संवेगों को व्यक्त करने के साथ साथ ये भी बताते हैं कि वो श्रोता के मन में भी
उसी तरह के भाव को उत्पन्न करता है या ऐसा करने के लिए उसको कहता है, प्रेरित करता है। तो संवेगात्मक अभिव्यक्तियों को ये बताते हैं कि ये वक्ता के भाव को, वक्ता के संवेग को अभिव्यक्त करता है, जिसके लिए ये कहते हैं कि भाषा की आवश्यकता नहीं होती है, वर्णन के लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है। और बताते हैं यह कि वक्ता के संवेग या भाव को व्यक्त करता है और श्रोता को तदनुरूप करने के लिए प्रेरित भी करता है। इस प्रकार से यह बताते हैं कि हमारे नैतिक कथन पूरी तरह से क्या होते हैं, वक्ता के संवेगों की अभिव्यक्ति मात्र होते हैं और श्रोता के मन में उसी तरह के भाव उत्पन्न करते हैं। इसकी प्रामाणिकता के संदर्भ में यह कहते हैं कि चूंकि ये मूल्यात्मक पहलू से है, इसका पक्ष क्या है, किसी भी व्यक्ति के संवेग या भाव जिसके बारे में यह कहते हैं आप कोई तर्क नहीं दे सकते हैं, किसी भी व्यक्ति का जो भाव होता है वो संवेग होता है, वो निहायत उसका अपना निजी भाव या संवेग होता है, जिसके बारे में यह कहते हैं कि आप कोई तर्क नहीं दे सकते हैं। तर्क दे करके किसी भी व्यक्ति के संवेग या भावनाओं की पुष्टि नहीं की जा सकती, एक उसका अपना व्यक्तिगत है जिसके लिए आप किसी प्रकार का कोई भाव कोई तर्क नहीं दे सकते। अतः यह कहते हैं कि नैतिक कथन संवेगात्मक होते हैं और असत्यापनीय भी होते हैं, जिसकी सत्यता को स्थापित करने के लिए किसी प्रकार का कोई तर्क आर्गुमेंट आप नहीं दे सकते हैं। यह कहते हैं कि किसी भी विद्यार्थी को झूठ बोलने के क्रम में आप उसे कह सकते हैं कि तुम्हारा झूठ बोलना अनुचित है, लेकिन यह कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ यही प्रमाणित हो रहा है कि उसका झूठ, जो उसने झूठ बोला है वह अनुचित है। इस आधार पर यह कहते हैं कि यह नैतिक कथन कि झूठ बोलना अनुचित है यह प्रमाणित नहीं होता है। यह कहते हैं कि झूठ बोलना अनुचित है जब आप इस नैतिक कथन का निर्माण करते हैं, तो अनुचित शब्द को एयर कहते हैं कि इंद्रियजन्य अनुभव से सत्यापनीयता का जो मतलब प्रमाणीकरण का जो कोटि एयर स्वीकारते हैं इंद्रियजन्य अनुभव, इससे आप इसकी सत्यता को प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। अतः एयर का कहना है कि आप उस विद्यार्थी के या उस बालक के झूठ बोलने के क्रम में आप ये कह सकते हैं कि झूठ उसका ये झूठ बोलना अनुचित है। इसमें आप अपने नैतिक जो अनुमोदन कर रहे हैं वो ये कि झूठ का झूठ बोला है और इसका ये स्टेप क्या है अनुचित है। यहाँ तक तो ये कहते हैं ठीक है, लेकिन इसके आधार पे ये निकाल लेना, निष्कर्ष निकालना कि झूठ बोलना अनुचित है, ये कहते हैं कि ये पूरी तरह से उपयुक्त नहीं है, यानी एयर नैतिक कथनों को पूरी तरह से मानव की संवेग की अभिव्यक्तियां मानते हैं। ये वक्ता के संवेदों की अभिव्यक्ति है और श्रोता को उसके अनुरूप कुछ करने के लिए प्रेरित करती है, जिसको ये कहते हैं कि चूंकि ये अपना व्यक्तिगत क्या होता है, व्यक्तिनिष्ठ होता है, व्यक्तिगत संवेद होते हैं, अतः हम उसे किसी तर्कों के द्वारा प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। ये कहते हैं कि ये जो नैतिक कथन होते हैं इसकी वास्तविक सहमति असहमति के बारे में ये कहते हैं कि जिसे हम वास्तविक सहमति या असहमति कह देते हैं, एयर कहते हैं कि वस्तुतः वह वास्तविक सहमति या असहमति का द्योतक नहीं होता है। जैसे एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु के बारे में दो विरोधी विचार आते हैं आपके सामने, दो विरोधी विचार आपके सामने आने के उपरांत क्या होता है, क्या आप किसी एक विचार से दूसरे के विचार का खंडन कर सकते हैं या आप अपने विचार को सही मान करके उसके विचार का खंडन कर सकते हैं? एयर कहता है सभी के लिए जिस प्रकार से आप अपने विचारों का अनुमोदन करते हैं और उसके विचारों का खंडन करते हैं, इसी प्रकार से वो भी क्या कर सकता है, अपने विचारों का अनुमोदन कर सकता है और आपके विचारों का खंडन कर सकता है। लेकिन एयर कहते हैं कि वस्तुतः कहा जाए तो उसमें कोई वास्तविक सहमति या असहमति का प्रश्न इसलिए नहीं उठता, ये तो आपके अपने व्यक्तिगत संवेग है, आपके अपने व्यक्तिगत क्या है अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव है, अपने संवेगों की अभिव्यक्ति आप करते हैं,
किस रूप में आरोप कर रहा है किसी दूसरे रूप में। तो वास्तविक असहमतियों के बारे में भी यह स्पष्ट करते हैं कि जिन दो कथनों नैतिक कथनों पे हम ये समझते हैं कि इसका खंडन हो रहा है उसका मंडन हो रहा है का ये उपयुक्त नहीं है, इसलिए वो अपनी अपनी संवेग होते हैं, अपनी अपनी संवेगों की अभिव्यक्तियां। इस प्रकार से अधिनीति शास्त्र के अंतर्गत एयर के नैतिक विचारों को संवेगवादी विचारों के अंतर्गत पाया जाता है। संवेगवादी विचारों में यह स्पष्ट कहते हैं कि ये जो नैतिक कथन है ये निश्चित रूप से मानव के संवेगों की अभिव्यक्ति करते हैं। वर्णन के बारे में मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि वर्णन के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। आप वर्णन किसी तथ्यों का करते हैं, किसी के संवेगों का वर्णन आप कैसे कर सकते हैं? वो स्वयं अपने संवेगों का वर्णन करता है, जिस रूप में महसूस करता है उस रूप में अपने संवेगों को अभिव्यक्त कर देता है। वर्णन में एकता हो सकती है, कोई एक तथ्य है जैसे कुर्सी को आप ले सकते हैं, टेबल को ले सकते हैं, कोई एक तथ्य है उसके वर्णन के संदर्भ में आप एक रूपता हो सकती है, क्योंकि तथ्य एक ही है, आप तथ्यात्मक दृष्टिकोण से भी उसका वर्णन करने के लिए कहा जाएगा तो आप कह सकते हैं कि कुर्सी के चार पांव होते हैं या हाथ रखने के लिए स्थान बना होता है आदि इत्यादि उसका वर्णन कर सकते हैं, और यही वर्णन कोई दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है। लेकिन जहां पर संवेगों की अभिव्यक्ति का प्रश्न उठता है नैतिक कथनों के अंतर्गत, ये स्पष्ट कहते हैं कि जो संवेग होते हैं उसको संवेगों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा की आवश्यकता नहीं होती, वो तो आपका अपना संवेग है, आप उसे जिस रूप में चाहे उस रूप में अभिव्यक्त करें। इस प्रकार से एयर शुभ उचित कर्तव्य ऐसे सभी नैतिक प्रत्ययों को एयर पूरी तरह से वक्ता के संवेगों की अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं। इन कथनों को एयर कहते हैं जिसे न संश्लेषणात्मक है और न विश्लेषणात्मक है, तथ्यात्मक होने का प्रश्न नहीं होता, और जो तथ्यात्मक नहीं है एयर कहते हैं वो मात्र संवेग है, उसके द्वारा हम किसी भी नैतिक नियमों की स्थापना या नैतिक नियमों के स्थापित करते हैं तो हमारा प्रयास क्या होता है, निरर्थक होता है। इस प्रकार से अपने संवेगवादी विचारों में एयर नैतिक कथनों को पूरी तरह से संवेगात्मक मानते हैं, ये वक्ता के संवेग होते हैं और श्रोता में उस तरह के भाव उत्पन्न करते हैं। आप एयर कहते हैं कि किसी नैतिक सिद्धांत की स्थापना जब आप करते हैं, झूठ बोलना अनुचित है, सत्य बोलना उचित है, इन सब के बारे में एयर कहते हैं या उस कार्य को इस दृष्टिकोण से किया जाएगा शुभ होगा या ये उचित है, एयर स्पष्ट कहते हैं कि ये सभी प्रत्यय मानवता के संवेग होते हैं। किसी कर्म विशेष में आप ये कह सकते हैं कि झूठ बोलना उसका उचित है या सत्य बोलना वहां पर ठीक है, कहा वो विशेष संदर्भ में ही ऐसे तथ्यों का निर्माण करते हैं तो वहां तक के लिए ठीक है, लेकिन इन्हीं तर्कों के आधार पर इन्हीं बातों के आधार पर आप किसी नैतिक नियम को स्थापित कर देते हैं कि झूठ बोलना अनुचित है या सत्य बोलना ठीक है, कहा ये उपयुक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एयर के शब्दों में ये पूरी तरह से मानव के संवेग होते हैं, संवेगों की अभिव्यक्ति है, इसके बारे में कोई तर्क देकर के कोई सिद्ध करने की बात करता है तो एयर कहते हैं कि ये उपयुक्त नहीं है। हम अपने नैतिक कथनों या नैतिक निर्णयों के संदर्भ में ऐसा हम अनेक स्तरों पर देखते और पाते भी हैं कि लोग अपनी अपनी दृष्टि से या अपने अपने संवेग से अपने अपने अनुभव से नैतिक निर्णयों की व्याख्या लोग करते हैं, और ऐसे अपने व्यक्तिगत क्या कहते हैं अनुभव को या व्यक्तिगत नैतिक नियमों को जब आप यूनिवर्सल या सार्वभौम नैतिक नियम के रूप में स्थापित करने का प्रयास करते हैं तो ये कहते हैं कि ये चूंकि आपका अपना व्यक्तिगत अनुभव है, ये आपकी व्यक्तिगत संवेग है जिसकी अभिव्यक्ति आप कर रहे हैं, श्रोता को उसके अनुरूप करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं या कह रहे हैं, इसके अलावा आपके नैतिक कथनों की कोई सार्थकता नहीं है। धन्यवाद।